दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम क्या है और कब करते हैं, कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आओ देखते हैं, समझते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। हम सबसे पहले तो बैठेंगे, यदि नीचे बैठ सकते हैं तो जो भी आसन हम लगा सकते हैं लगा लीजिए, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जो भी आसन लगा सकते हैं लगा लीजिए। नहीं लगा सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठकर भी इसको कर सकते हैं। ये अपनी शरीर की क्षमताओं का ध्यान रखते हुए करना है कि कैसे कर सकते हैं। साथ ही यदि हम खुली हवा में बैठ के करेंगे, इसी प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में बैठ के करेंगे तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं, और इसको हमें सुबह सुबह करेंगे तो और भी ये बेहतरीन रहता है। तो इसको कोशिश करें कि हम सुबह सुबह खुली हवा में बैठ करके, प्रकृति की गोद में बैठ करके करेंगे तो इसके हमें कई गुना परिणाम मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से बैठ जाएंगे और कमर सीधी करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, चेहरा बिल्कुल तनाव रहित रखेंगे। और जो अपनी अंगुलियां हैं, आप ये अंगुलियों के बारे में जानते होंगे, ये तर्जनी है, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका और अंगूठ, इसका ध्यान रखते हुए, जिस प्रकार से मैं बताऊँ उस प्रकार से ध्यान रखते हुए हमें तर्जनी अंगुली को ललाट पे भ्रूम, जो अपने आईब्रो हैं उनसे ऊपर रखेंगे, और जो अपने मध्यमा और अनामिका है उसको आंखों पर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, और अपने कनिष्ठ का अपने नासिका से नीचे रहेगी। अंगूठों से अधिकतम कान बंद कर लेंगे, ठीक है, अधिकतम कानों को बंद करके करेंगे तो हमें ये बढ़िया लगता है। और भी अब क्या करना है कि हमें गर्दन सीधे रखेंगे, पूरे शरीर को स्थिर रखेंगे और लंबा सांस नासिका से लेना है, और नासिका से फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गुंजन करते हुए, जिस प्रकार से गले से आवाज निकाल करके गुंजन करते हुए हमें धीरे धीरे सांस को छोड़ना होता है। आओ एक बार देखते हैं, समझते हैं। फिर नासिका से धीरे धीरे लंबा सांस ले लेंगे। तो इसका ये करने का ये सही तरीका है, हमें नासिका से ही सांस लेना होता है और फिर धीरे धीरे गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालना होता है। एक बार जब फिर से आपको देखना है, करने के बाद में आपको खुद को एहसास हो रहा होगा कि जिस प्रकार से हम ऐसे बाग बगीचे में बैठे हैं, जिस प्रकार जिसके चारों तरफ भंवरे मंडरा रहे हैं, भंवरे गुंजन कर रहे हैं, इस प्रकार का हमें ऐसे एहसास होता है, तल्लीनता आती है। तो इसको एक बार फिर से करेंगे, समझेंगे। अपनी जो तर्जनी अंगुली है लाट के ऊपर भ्रूमध्य के बीच में रखेंगे, और अनामिका और मध्यमा को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे, कनिष्ठिका को नीचे रखेंगे, अंगूठों से कान बंद कर लेंगे अच्छी तरह से, गर्दन सीधी रखेंगे, कमर एक सीध में रखते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त रहते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाते हुए एकाग्र चित्त होते पैनी नजर अपने सांस पर रहेगी, ठीक है। और फिर हम गहरा लंबा सांस लेंगे नासिका से। इस प्रकार हमें 5 या 7 रिपीटेशन करना है और लगातार करते जाना है। आप खुद महसूस करेंगे कि हम कितना अपने आप को एक तल्लीनता महसूस कायदों के बारे में। दोस्तों ये हमारे मानसिक रोगों के लिए, हमारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। हमारा दिन में एकाग्र मन एकाग्र नहीं रह पाता है, बार बार हमारा मन बेचैन रहता है, निकल निकल के जाता है, दूसरे अन्य विषयों पर जाता है, हम काम करने का मन नहीं करता है, काम भी हमारा मन नहीं, याददाश्त कम होती जा रही है। उन लोगों के लिए जिनको नींद कम आती है, जिनके सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, सिर दर्द में काम करता है। साथ ही हमारे कानों में साँस साँस की आवाज़ आती है, कम सुनाई देता है, उन सभी में ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये छोटी छोटी योगी क्रिया बहुत बड़ा काम करती है। तो इसको नियमित रूप से करें और देखें, इसके परिणाम बहुत ही जबरदस्त हैं, विलक्षण हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ भ्रामरी प्राणायाम के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ, नई योगिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर से, और इजाज़त दीजिए, नमस्कार।